हाय तो आज मैं आप सब लोगों के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई जो कि मैथ्स स्टैंडर्ड्स बच्चों के लिए है जो कि क्लास टेंथ मैथ्स के हैं वैसे इन एनसीईआरटी में से ही नहीं आपके जो और बुक्स uh, है उसमें से भी आपसे पूछा जा सकता है बट एनसीईआरटी में से आपका थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि आपकी मेन टेक्स्ट बुक है तो इसमें से जो आपके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है तो वो मैं आपको बताती हूँ जो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स इसमें जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो दो एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है 1 .1 और 1 तो यहां तक हमारा डिलीट है ये यह हमारा यहाँ से आ रहा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर सबसे पहले तो जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रूट वाले जो हमें प्रूफ करने पड़ते हैं रूट टू इज इरेशनल जो हमें ये प्रूफ दे रखा है तो ये आपको देखना पड़ेगा जो कि पेज नंबर ट्वेल्व पर है ये इम्पोर्टेंट है आपका थ्योरम वन और आपका एग्जाम्पल नंबर नाइन बिल्कुल इसी की तरह है रूट टू की तरह तो ये आप देख लीजिए और आप ये इसकी प्रैक्टिस जरूर किये आगे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर टेन और इलेवन ये आपके इम्पोर्टेंट है आती हमारी एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री इसमें आपके फर्स्ट और थर्ड ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपका जो थर्ड में ही है वही जो थर्ड का थर्ड है वही आपका सेकंड की तरह है कुछ तो इससे आप करेंगे तो ये आपका सेकंड अपने आप हो जाएगा अगर आप थर्ड करेंगे तो तो ये आगे हम अपनी बढ़ते एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर पर इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट के जो है आपका फिफ्थ आपका सिक्स सेवेंथ और आपका टेंथ ये इम्पोर्टेंट है इससे और इसके बाद एक, इसका आपका थर्ड क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ते हम हमारे चैप्टर टू पॉलिनामल से इसमें भी आपकी एक एक्सरसाइज रिलेटेड है जो कि है आपकी टू पॉइंट थ्री इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो एक एग्जाम्पल नंबर वन है बस आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाएगा अगर आपका होगा तो एक मार्क्स में कुछ पूछ लेंगे बट आप एक बार इसको देख लीजिए क्या पता पूछ सकते एक आध नंबर में इसके बाद वही सेम है तो इसका आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए आप थर्ड और आप फिफ्थ कर लीजिए इसके बाद जो है आपका वो है आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड और आपका एग्जाम्पल नंबर फोर ये दोनों एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक पेज नंबर थर्टी और थर्टी वन पर है और फोर्थ uh, आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी आपका देख सकते हैं जैसे कि आपका तीन चार नंबर का आपका आ जाता है तो आपका इम्पोर्टेंट है ये आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर फाइव भी ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है टू इसमें फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सिक्स ये आपका इंपॉर्टेंट है सेकंड में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट uh, सेकंड और थर्ड ये आप इंपॉर्टेंट है आगे जो हमारी एक्सरसाइज है टू पॉइंट थ्री आपकी डिलीटेड है तो ये आपको नहीं करनी है आगे हम हमारे चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पर आते हैं इसमें से भी आपकी दो एक्सरसाइज डिलीटेड है थ्री पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट सिक्स इसमें जो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है उसमें से आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट वन में से इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज आती है आपकी थ्री पॉइंट टू इसमें जो है आपका फर्स्ट का आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट है सेकेंड का आपका फर्स्ट और सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। बस अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आ जाएंगे तो इसके बाद आपके मतलब सेम नंबर ही नहीं आपके अगर दूसरे नंबर नंबर या आपकी कोई भी एक्सप्रेशन दे देते हैं आपको तो आप उसको कर पाएंगे और थर्ड में जो आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका सेकेंड और फिफ्थ फोर्थ में जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका थर्ड और फोर्थ फिफ्थ आपका इम्पोर्टेंट और सेवंथ भी आपका इंपॉर्टेंट है ग्राफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार जो आपके ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ते हम हमारी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद हमारा सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड का जो अब थर्ड का मैं कहूं तो आप सारे ही कर लीजिए क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं तो इसका आप अगर करना है तो आप इसका सेकेंड थर्ड और इसका आप फिफ्थ सॉरी uh, फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों कर लीजिए और आप इसका सिक्स भी कर लीजिए क्योंकि इनमें से काफी क्वेश्चन इस, इस तरह के पूछे जाते हैं इसके बाद जो है आपकी थ्री पॉइंट फोर इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड फोर्थ और फिफ्थ ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे क्योंकि एक्सरसाइज आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है इसके बाद हमारा आता है क्वारिटिक इक्वेशन चैप्टर चैप्टर नंबर फोर इसमें जो आपकी एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज डिलीट है जो कि आपकी फोर पॉइंट थ्री है इसमें जो एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट थर्ड सिक्स ये आपका इम्पोर्टेंट है और सेकेंड में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट आपका इसके बाद आपका सेकंड और फोर्थ ये आपका इम्पोर्टेंट है इसके बाद आपका एग्जांपल नंबर थर्ड भी काफी इम्पोर्टेंट है जो कि आपका फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा जाता है इसमें जो फोर पॉइंट टू में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट का आपका थर्ड uh, और फोर्थ इम्पोर्टेंट है इसके बाद आपका फिफ्थ uh, और सिक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके इसके बाद जो है ये जो है एक्सरसाइज ये आपके डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं इसका सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर एटीन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर कीजिएगा इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है फोर पॉइंट फोर जो कि पेज नंबर नाइन्टी वन पर है इसमें फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड सेकंड का सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है इसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट तो आप जरूर कीजिएगा इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर फाइव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी बोलते हैं इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है तो जैसे कि हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज आती है फाइव पॉइंट वन तो इसमें जो आपका है, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आप कर लीजिए और इसके बाद जो है आपका सेकंड का आप प्रैक्टिस के लिए है ये क्योंकि काफी माइनर से क्वेश्चन है ये तो आप कर लेंगे तो इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए जिससे आपके एक या हाफ नंबर में पूछे जाते हैं तो ये जिससे आप कर सके तो सेकेंड का फिफ्थ थर्ड का भी आप फोर्थ कर लीजिए और फोर्थ का आप एट कर लीजिए और इसका आप फिफ्टीन कर लीजिए इसके बाद बढ़ते हम अपना आगे इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स इस तरीके के एग्जाम्पल नंबर फोर फाइव सिक्स और सेवन ये इस तरीके के आपके जो डिजिबल uh, वाले क्वेश्चन है काफी एक आध बार पूछे जा सक जा गए हैं जैसे कि हमारे एग्जाम्पल नंबर फोर इसमें जो है हमारा विच टर्म ऑफ एपी ट्वेंटी एट्टी वन पर तो माइनस एट्टी वन आपके कौन सी टर्म पर आएगा तो ये आपका काफी इजी uh, सा क्वेश्चन है तो ये आप अगर एक बार देखेंगे करेंगे तो आपसे जरूर हो जाएगा इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है आपका आपका सेवेंथ आपका नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ थर्टीन फोर्टीन और सिक्सटीन नेक्स्ट पेज नंबर वन जीरो सेवन पर आते हैं इसमें आपका सेवनटीन इम्पोर्टेंट है आपका ट्वेंटी इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं हम हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो है फाइव पॉइंट थ्री इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है जो कि हमारा पेज नंबर वन वन थ्री पर है इसमें जो आपका सबसे पहले फोर्थ इम्पोर्टेंट है सिक्सथ एट्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्व आपका थर्टीन सिक्सटीन और एटीन ये इंपॉर्टेंट है आपके इस पेज नंबर पर और नेक्स्ट पेज नंबर पर आपके नाइनटीन और ट्वेंटी ये इम्पोर्टेंट है तो आगे हम हमारे चैप्टर नंबर सिक्स ट्राइंगल्स पे चलते हैं इसमें जो आपकी आपकी दो एक्सरसाइज डिलीट है 6.4 और 6.5 ये काफी माइनर सी एक्सरसाइज है तो हम इसको स्किप कर देते हैं इसके बाद जो है हमारी थ्योरम 6.1 ये काफी इम्पोर्टेंट है इस पे बेस्ड जो हो गए आपके आगे क्वेश्चन होंगे तो ये आपको जरूर आपको आनी चाहिए तो इसमें हम हमारी जो एक्सरसाइज आती थे सिक्स इसमें जो आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है वेंथ और नाइन्थ इम्पोर्टेंट है जो की पेज नंबर वन ट्वेंटी नाइन पर है आगे जो हमारी थियोरम सिक्स पॉइंट थ्री है ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है जो की पेज नंबर वन थर्टी वन पर है आगे जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आपकी सबसे पहले उससे पहले जो आपका एग्जाम्पल नंबर सेवन जो की पेज नंबर वन थर्टी सिक्स पर है ये काफी इम्पोर्टेंट है काफी बार पेपर में पूछा गया के बाद हमारी सिक्स पॉइंट थ्री एक्सरसाइज आती है इसमें जो आपके पेज नंबर वन फोर्टी पर इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सिक्स सेवेंथ एट और टेंथ इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट पेज नंबर पर आपका ट्वेल्थ फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन इम्पॉर्टेंट है इसके बाद जो ये आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर ये आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस पर आ जाते हैं इसमें जो आपकी एक एक्सरसाइज रेट है सेवन पॉइंट थ्री जो कि हमें नहीं करनी है इसमें सेवन पॉइंट वन में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सेवन्थ और एट्थ इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पे आपका नाइन्थ और टेंथ इम्पॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर वन सिक्सटी टू पर है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर सेवन इंपॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर वन सिक्सटी फोर पर है काफी बार पूछा गया है तो आप इसको जरूर कीजिएगा और जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू इसमें जो है आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है फिफ्थ आपका सेवंथ एट्थ और आपका टेंथ इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है हमारी सेवन पॉइंट थ्री ये आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है इसके बाद जो हमारा इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं इससे आपके बाहर से जो बुक्स है उसमें से भी पूछा जा सकता है और या फिर एनसीआरटी में से भी पूछा जा सकता है तो इस चैप्टर की आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए तो इसका आपको करनी पड़ेगी तो एक्सरसाइज एट पॉइंट वन में जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो है आपका आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट है सेवन्थ इंपॉर्टेंट है सेवंथ के दोनों इम्पॉर्टेंट है तो आप ये जरूर कीजिएगा दोनों और आपका एट्थ इंपॉर्टेंट है नाइन्थ इंपॉर्टेंट है और आपका इलेवेंथ इंपॉर्टेंट है ओ सॉरी टेंथ इम्पोर्टेंट इलेवन है टेंथ इम्पोर्टेंट है इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आप पहले तो इससे पहले आपकी ये जो टेबल है ये आपको बहुत आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए ये टेबल ये जो आपकी आगे हायर क्लासेस है उसमें भी आपका काम आएगी ये टेबल तो आगे जो हमारी एक्सरसाइज है 8.2 इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट है वो है आपके फर्स्ट के आपके चारों ही कर लीजिए तो पांचों ही कर लीजिए आप ये काफी पूछा जाता है इसीलिए जो ये जो आपके प्रूफ वाले वेल्युएट वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से काफी पूछे जाते हैं और आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है आगे जो हमारी एट पॉइंट थ्री है ये डिलीट है आपकी तो आपको नहीं करनी है आगे जो हमारी एट पॉइंट फोर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके थर्ड के दोनों इसके बाद आपके फिफ्थ फिफ्थ के तो आप ये जरूर से कीजिएगा फिफ्थ के सारे फिफ्थ के सारे क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है ये ही इस आ, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना ही पूछा जाता है आपके इस चैप्टर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना पड़ता है आपको और इसके एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल मत भूलेगा थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ये आप बिल्कुल मत भूलेगा तो ये आपको जरूर करना है तो इस चैप्टर के ये मेन क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी आपको बताए फिफ्थ के सारे और ये एग्जाम्पल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये आपके हैं आगे हमारी जो चैप्टर नंबर नाइन एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट वन इसमें आपका सेकंड इसमें आपका फिफ्थ सेवेंथ एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ इस पेज नंबर पर नेक्स्ट पेज नंबर पर जो टू पॉइंट सॉरी टू जीरो फाइव है इसमें जो है आपका फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन इसमें से आपका एक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका तीन चार नंबर का ही होता है तो आप इसको भी बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप इसमें जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है इसमें भी आपके जो कुछ वो टेबल जो मैंने बताई थी उसमें भी आपकी वो लगेगी नेक्स्ट जो हमारा सर्कल्स है इसमें से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है इसमें जो है सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज आती है टेन पॉइंट टू इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका फोर्थ फिफ्थ एट्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ अट थर्टीन ये इम्पोर्टेंट है इससे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है तो आप इसको जरूर कीजिएगा तो हमारे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन ये आपका पूरा ही डिलीट कर दिया गया है तो ये आपको नहीं करना है इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी ट्वेल्व पॉइंट वन है इसमें आपकी एक एक्सरसाइज जो है आपकी एक भी डिलीट नहीं की गई है तो इसमें आपका पूरा चैप्टर है बिल्कुल आपको वैसे करना है इसमें जो आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट है और आपका फोर्थ इम्पोर्टेंट है इसमें हम अपनी ट्वेल्व पॉइंट टू पर बढ़ते हैं इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्थ और आपका नाइन्थ आपका टेंथ ट्वेल्थ और थर्टीन ये आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फाइव ये आपका इम्पोर्टेंट जो कि पेज नंबर टू थर्टी थ्री पर है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट थ्री इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले जो है आपका थर्ड फोर्थ आपका फिफ्थ और सिक्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है हमारा उसके बाद आपका एट्थ इंपॉर्टेंट है टेंथ इम्पोर्टेंट है इलेवन थर्टीन और फिफ्टीन और नेक्स्ट आपका 16 important है इस चैप्टर से नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें आपकी एक एक्सरसाइज डिलीट है थर्टीन पॉइंट फोर जो आपकी थर्टीन पॉइंट फोर डिलीट है इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज सबसे पहले थर्टीन पॉइंट वन इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपका एट्थ और नाइन्थ ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से आगे हमारी जो एक्सरसाइज है थर्टीन पॉइंट टू इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले आपका सेकेंड देन आपका जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका थर्ड फिफ्थ सेवेंथ और एट्थ ये आपके इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट बढ़ते है हम हमारा जो एग्जाम्पल नंबर टेन ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आप इसको इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जो कि पेज नंबर टू फिफ्टी पर है नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है थर्टीन पॉइंट थ्री इसमें आपका सेकेंड थर्ड आपका फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है एंड देन नेक्स्ट आपका एट्थ और नाइन्थ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आगे जो हमारा फर्स्टर्म वाला जो पार्ट है या आपका डिलीट है तो या आपको नहीं करना है इसके बाद जो हमारे चैप्टर नंबर फोर्टीन स्टेटेटिक्स पर आ जाते हैं इसमें जैसे कि आपको पता ही सारे क्वेश्चन सेम ही लगते हैं बट इससे इससे भी आपके पांच छह नंबर के बिल्कुल सेम ही आपके पूछ लेते हैं तो आपका वो फुल मार्क्स आता है इसमें बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज फोर्टीन इसमें आपका फिफ्थ सेवेंथ और आपका नाइन्थ इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज 14.2 इसमें आपका थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका फिफ्थ सिक्स इम्पोर्टेंट है देन नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आती है 14.3 इसमें आपका सेकंड, आपका फोर्थ आपका फिफ्थ और सेवेंथ इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको आप बिल्कुल एंड में मत रखिएगा इसके आप एक दो क्वेश्चन करके अगर आपको आ जाते हैं तो काफी अच्छा है क्योंकि आपकी इससे सही हो जाएगा इसके बाद जो आपकी फोर्टीन पॉइंट फोर इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड इम्पॉर्टेंट है ये आप इसको जरूर इसको आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं वैसे जिससे कि आप एंड में आपकी कैलकुलेशन एक अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए और आप बिल्कुल इसके जो फॉर्मूलेस पर है फॉर्मूलेस पर जो आपसे f1 f2 या f0 पूछा जाता है उस पर अगर आप सही वैल्यू रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी इसमें जैसे कि आपके है ये मोड मीडियन और मीन वाले जो एक, ये है फॉर्मूलेज तो ये आपके समरी में दे रखे हैं तो आप इसको यहां से देख लेंगे इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये भी काफी इजी चैप्टर है इसमें से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है जैसे कि स्टैटेटिक्स में से भी आपका डिलीट नहीं था एग्जाम्पल नंबर फाइव और एग्जाम्पल नंबर एट आपका इम्पोर्टेंट है इससे हमारी जो है एक्सरसाइज आ जाती है फिफ्टीन पॉइंट वन इसमें आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट है सेवेंथ एट्थ आपका टेन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन आपका ट्वेंटी आपका ट्वेंटी फोर और आपका ट्वेंटी फाइव ये आपके इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है बस ये था आज की वीडियो के लिए ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए अगर आपके इनमें से ज्यादातर आपके हो रखे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है आप इसी तरह थोड़े बाहर की जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये था आज की वीडियो के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग